भारत में कोरोना का बढ़ता खतरा और पड़ोसी देश चीन और नेपाल से जारी तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 जून को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस कोरोना काल में लोगों से एक बार फिर अपील करते हुए कहा कि वे सामाजिक दूरी का पालन करें और साथ ही मास्क जरूर लगाएं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ लद्दाख में जारी विवाद पर चीन को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और सही जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख गड़ाने वालों को करारा जवाब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हाल ही में दुनिया में भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया गया है। अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को देखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा करना। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर बनना और परंपरा है भरोसा और मित्रता। साथ ही भारत का भाव है बंधुता को प्रगाढ़ करना। हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा हर प्रयास सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की ताकत बढ़ाने में और देश को अधिक सक्षम बनाने में, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में होना चाहिए। यही हमारे शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। पिछले दिनों लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश उनका आभारी है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय को इन्हें खोने का दर्द भी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस साल का जिक्र करते हुए कहा कि एक साल में चुनौती आए या 50, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता। भारत का इतिहास रहा है कि हमने आपदाओं और चुनौतियों पर हमेशा जीत हासिल की है और हम हमेशा ज्यादा निखर कर दुनिया के सामने आए हैं। वहीं पीएम ने देश में इस बार के मानसून पर कहा है कि इस बार बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। इसके बाद मोदी ने 80 से 85 साल के कौमेगड़ा नामक शख्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे जानवरों को चराते हैं लेकिन अपने इलाके में नए तालाब बनाने का भी काम करते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को याद किया और कहा कि वे अनेक भाषाओं को जानते थे, जो भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से थे। वे 17 की उम्र से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हमें उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। इससे इतर उन्होंने लॉकडाउन पर कहा कि देश को लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता अनलॉक के दौरान बरतनी है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर मास्क नहीं पहना है तो 2 गज की दूरी का पालन करना है और फिर दूसरी सावधानियां भी बरतनी है, नहीं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होता है। यह कार्यक्रम कड़ी में 66वां संस्करण था। पीएम मोदी बीते कई वर्षों से हर महीने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। आज भी उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भारत को विश्व के सम्मुख सर्वोपरि रखते हुए, अपने भारतवासियों का ध्यान रखते हुए, उन्हें इस संक्रमण काल में सचेत और सावधान रहने के साथ ही अपनी बात को समाप्त किया। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ।